तो फर्स्ट हमने क्या लिखवाया था, बट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग। एंड दूसरा क्या लिखवाया था हमने, फ्लैश बेल्ट बट वेल्डिंग, नहीं फ्लैश बट वेल्डिंग, ठीक है। देखो बेसिकली होता क्या है, ये दो जो बट वेल्डिंग है ना, उस बट वेल्डिंग ही दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होती है पहली होती है अपसेट बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग को एक्चुअली हम लोग जो दो बात करते हैं ना, तो ये जो बट वेल्डिंग है ये एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है अपसेट बट वेल्डिंग, अपसेट बट वेल्डिंग, और दूसरी है आपका फ्लैश बट वेल्डिंग, ठीक है, फ्लैश बट वेल्डिंग। क्योंकि कभी कभी कंपैरिजन पूछ देता है, वहां पे ऐसे लिख देगा कि बट वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग में डिफरेंस बताओ, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कहीं अगर सिर्फ लिख दे बट वेल्डिंग, तो इसका मतलब उस इसकी बात कर रहा है अपसेट बट वेल्डिंग की, ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये समझ में आया कि फर्स्ट ये एक्चुअली टाइप्स है। अब ये भले ही इसमें मेंशन कर दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये बट वेल्डिंग के दो टाइप्स होते हैं। तो जनरली हम लोग अपसेट बट वेल्डिंग को ही हम क्या बोल देते हैं, बट वेल्डिंग, और फ्लैश ये दूसरा तो है ही है, ठीक है। तो चलिए बट वेल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। बट वेल्डिंग आर अपसेट बट वेल्डिंग, अपसेट बट वेल्ड नाम है, अब क्यों पढ़ा ये हमें नहीं पता, ठीक है। चलिए तो इसमें करते क्या है, वही प्रोसीजर करना है इसमें जो अभी हमने पढ़ा था, कि इसमें क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड को लाते हैं, कंसेप्ट वही रहेगा। ये आपका दो इलेक्ट्रोड है, एक ये और दूसरा ये वाला, ठीक है। इनको पास में लाके ऐसे कर दिया, ठीक है। ये कौन से हैं, वेल्डिंग मटेरियल जिसको हमको वेल्डअप करना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के हेल्प से, ये ट्रांसफार्मर है, कौन सा ट्रांसफार्मर, सेल टाइप, ठीक है, कैपेसिटर लगा दो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। ये हो गया एसी सप्लाई, ठीक है, एसी सप्लाई दे दी गई, ठीक है। ये प्राइमरी साइड, कुछ तो ये भी दिक्कत है ना, ये सेकेंडरी साइड, ठीक है। हाई करंट लो वोल्टेज, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये फिक्स इलेक्ट्रोड होता है, ये जो पार्ट होता है ये हम लोग जो करते हैं क्या है, यहाँ पे फिक्स होता है ये, मतलब एक स्टेशनरी आप कह सकते हैं, स्टेशनरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये मूवेबल पार्ट होता है, क्लैपर इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको एडजस्ट किया जाता है क्लैपर से, क्लैंपर से इसको क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। जब ये हीटअप होगा, ये क्या है, वेल्डिंग मेटल पार्ट्स, ठीक है, बोला तो क्लियर है। अब होगा क्या, यहाँ पे हीटअप होगा, वही कंसेप्ट आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो यहाँ से जब वो मेटल के फॉर्म, जब वो किसके प्लास्टिक या लिक्विड के फॉर्म में आएगा, आप क्या करोगे, इधर इधर से प्रेशर एग्जर्ट कर दोगे, प्रेशर, और ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, सॉरी ये क्या कर जाएगा, ज्वाइन कर जाएगा, क्लियर है डायग्राम, ठीक है। कुछ नहीं, स्टेशनरी, ये स्टेशनरी पार्ट में रहेगा और ये फिक्स पार्ट में रहेगा, इसको क्लैंपर बोलते हैं। और ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे हीटअप हुआ, फिर उसको प्रेशर, इधर से प्रेशर डाल दिया जाता है, जिससे ये क्या हो जाता है, ज्वाइन कर जाता है, ठीक है। चलो इस चीज को लिख लो, इन इन दिस अपसेट वेल्डिंग द टू पार्ट्स
टू बी वेल्डेड आर ज्वाइंट इंड टू इंड एंड आर कनेक्टेड कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ वेल्डिंग सेकेंडरी ऑफ वेल्डिंग क्या बोल सकते हैं इसको वेल्डिंग ट्रांसफार्मर ड्यू टू द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल टू बी वेल्ड हीटिंग इफेक्ट is generated in this welding is made to flow through two electrodes heat will be developed due to the contact resistance of the two pieces and then melt by applying high pressure वो भी कौन सा प्रेशर मैकेनिकल प्रेशर मैनुअली The two pieces are pressed. ठीक है यहां तो कोई डाउट नहीं और प्रेस्ड ठीक है अच्छा ये तो हो गया हमारा किसे करस्पॉन्डिंग ये बट वेल्डिंग या अपसेट बट वेल्डिंग बोल सकते हैं इसको ठीक है पहले इसको बना लो फिर लिखते हैं बताते हैं ठीक है तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि ये क्या था आपका इलेक्ट्रोड था और ये मूवेबल पार्ट था जिसकी जब ये आई स्क्वायर आर टी की वजह से हीट डेवलप हुई टेम्परेचर राइज हुआ तो ये प्लास्टिक लिक्विड फॉर्म में आया और हमने क्या कर दिया इस इधर से मैकेनिकल प्रेशर पुशअप कर दिया ठीक है इसको जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो मैनुअली कर किया जाता है जनरली ठीक है खैर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं अब चलो अब एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं एप्लीकेशन ठीक है नॉन फेरस मेटल जैसे एल्यूमिनियम निकल गोल्ड सिल्वर ठीक है कॉपर ठीक है के लिए यूटिलाइज करते हैं इन सबको हम लोग मेल्ट करके ऐड किया जाता है दूसरा एक और क्वेश्चन बनता है कि वोल्टेज कितना रखेंगे सर वोल्टेज यहाँ पे कितना अप्लाई करना पड़ेगा ये जो होता है 2 वोल्ट से 8 वोल्ट के बीच में करंट जो होती है 40 एम्पियर टू सेवरल एम्पियर 100 एम्पियर के बीच में रखी जाती है ठीक है यहाँ तो कोई डाउट नहीं तो ये हो गया डिस्कशन किसके करस्पॉन्डिंग बट वेल्डिंग या आपको क्या बोल सकते हैं अपसेट बट वेल्डिंग करस्पॉन्डिंग अब हम डिस्कस करेंगे फ्लैश बट वेल्डिंग ठीक है बना लो इसको अब डिस्कस करना चाहते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग करस्पॉन्डिंग
देखो होता क्या है इसमें, ये आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है, एसी सप्लाई, बताने की जरूरत नहीं कौन सा ट्रांसफार्मर सेल टाइप है। चलिए अब यहां पे क्या करेंगे, फ्लैश वेल्डिंग का मतलब क्या होगा कि इसमें ये पार्ट फिक्स रहेगा, यहां पे फिर से वही पार्ट, ये क्या है, ये पार्ट फिक्स, और इसमें क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग पहले, ठीक है, उसमें क्या था कि हम दोनों दोनों को एकदम ज्वाइन करके रखे थे, नहीं प्रेशर जो है जो वहां पे अप्लाई किया था वो कांस्टेंट था करीब करीब, ठीक है, बहुत हल्का प्रेशर अप्लाई किया था जिससे वो ज्वाइन कर गया था मतलब, ठीक है। यहां पे क्या होगा कि इनके बीच थोड़ी सी डिस्टेंस होगी हल्की सी, ठीक है, तो हो सकता है कि इनके बीच आर्क बन जाए, नहीं जब हल्की सी डिस्टेंस होगी और ये क्या मूवेबल, हम इसको धीरे धीरे थोड़ी सी डिस्टेंस होती है हम क्या करते हैं धीरे धीरे इसको पास लाते हैं, मतलब इनके बीच कुछ आर्क या फ्लैश जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, फ्लैश, ठीक है। तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, एक रेजिस्टेंस का, एक आर्क का और एक प्रेशर का, नहीं। तो देखिए ये क्या मूवेबल पार्ट, प्रेशर को धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे आर्क फॉर्म हो गया जिसको फ्लैश बोल सकते हैं, तो जिससे क्या होगा आई स्क्वायर, वही है कंसेप्ट, आई स्क्वायर आर की वजह से हीट डेवलप होगी और फिर ये क्या हो जाएगा बिल्डअप हो जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो ये हो गया मेटल पीस, इनको क्या बोल सकते हैं, दैट इज मेटल पीस, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। इलेक्ट्रोड हो गया, ये फिक्स पार्ट है, या स्टेशनरी, ठीक है, सेल टाइप एक्समल, कैपेसिटर क्यों लगाया, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, तो क्लियर है। अब चलो इसी चीज को लिख लेते हैं, फ्लैश बट वेल्डिंग इज द कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर्क एंड प्रेशर, नहीं नीचे लिखो, इन दिस मेथड ऑफ वेल्डिंग द टू बी वेल्डेड, ठीक है, अंडर लाइट मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर, ठीक है, ठीक है। नीचे लिखो, व्हेन हाई करंट इज पास्ड थ्रू मेटल पीसेस एंड they are separated by some distance then arc stabilize between them, this arc आर फ्लैशिंग इज अलाउ टिल द एंड ऑफ द वर्क पीसेस रीच
मेल्टिंग टेम्परेचर द सप्लाई विल बी स्विच ऑफ बी स्विच्ड ऑफ एंड पीसेस आर रैपिडली टुगेदर अंडर लाइट प्रेशर बना लिया यहां तक. एडवांटेजेस ये किसके लिए है? डिसिमिलर मटेरियल मेटल्स जॉइंट टुगेदर इजिली. दूसरा लो पावर रिक्वायर्ड. तीसरा क्विक ऑपरेशन. ठीक है. एंड चौथा क्लीन. पांचवा नो पोल्यूशन. ठीक है. एप्लीकेशन की बात करें तो ट्यूब्स पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट ऑटो मोबाइल एंड होम एप्लीकेशन. इसमें इसको यूटिलाइज किया जाता है. ठीक है. तो हमने देखा तो क्या किया था इसमें कुछ नहीं, बस प्रेशर एग्जर्ट करते, इसमें थोड़ी सी डिस्टेंस रखी जाती है. ठीक है. और जब यहाँ पे आर्क फॉर्म होती है या आपका फ्लैश ठीक है फॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं इसको हल्का सा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं जिससे धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते हैं और उसको मेल्ट कर देता है. ठीक है. अच्छा अब देखेंगे डिफरेंसेस दोनों में क्या क्या आ जाता है. तो इसको बना लो पहले जल्दी से. नाउ कंपैरिजन बिटवीन बट वेल्डिंग इसी को हम क्या बोलते हैं अपसेट बट वेल्डिंग. ठीक है. बट वेल्डिंग और किसके बीच में देखना है एंड फ्लैश बट वेल्डिंग. ठीक है. तो यहां पे ले सकते हैं बट वेल्डिंग और अपसेट बट वेल्डिंग और यहां पे फ्लैश बट वेल्डिंग. ठीक है. देखो इसमें क्या है, इन दोनों कंपैरिजन बात कहते हैं करें लेस करंट रिक्वायर्ड. यहां पे हाई करंट, इसके कंपैरिजन में हाई करंट रिक्वायर्ड. ठीक है. दूसरा इसमें कोई आर्क तो बन नहीं रही है. नहीं, क्यों? क्योंकि आपने ऐसे बनाया था लाइक दिस वन, ये देखो एकदम चिपका के रखा था. तो यहाँ पे कोई आर्क बन रही है या फ्लैश बन रहा है? नहीं, स्पार्किंग नहीं हो रही है. जबकि यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस थी ना. तो दूसरे में क्या लिख सकते हैं, नो फ्लैश और यहाँ पे फ्लैश स्पार्क बोल सकते हैं, आर्क बोल सकते हैं. ठीक है, कर सकते हैं. यहां पे क्या है, फ्लैश या आर्क या आप कह सकते हैं स्पार्क बनेगा. ठीक है. यहां तक तो कोई जरूरत नहीं.
इसमें तो कोई इसमें तो किसी जरूरत नहीं थी, जबकि इसमें बनेगा। ठीक है, तीसरा प्रेशर की बात करें तो यहां पर प्रेशर कैसा था, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर इज अप्लाइड, नहीं और चौथा नो पार्ट इन मोशन, ठीक है, यहां पे वेरिएबल प्रेशर प्रेशर अप्लाइड, नहीं प्रेशर जो है वेरी कर रहे हैं ना, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, और चौथा पार्ट इन मोशन, सम पार्ट इन मोशन, ये मोशन में था ना ये वाला, मतलब कि ये चिपका हुआ है, बस हमने क्या किया प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई कर दिया। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट फिफ्थ मोर पावर, और इसके कारण इसमें लेस पावर रिक्वायर्ड। ठीक है चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे स्पॉट वेल्डिंग पे। ठीक है चलो इसको बाद में ले।